माई डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस टाइम। आई बिलीव यू आर क्वाइट वेल एंड एनर्जेटिक। टूडे वी विल स्टडी अबाउट ग्रेविटेशन एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर। पिछली वीडियो में क्वेश्चन 1 से 6 तक के आंसर बता दिए गए थे, सेंड कर दिए गए थे। इसमें जो है क्वेश्चन 7 से, क्वेश्चन 7, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इम्पोर्टेंस क्या है? आंसर, द ग्रेविटेशनल फोर्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन नेचर एज इट एक्सप्लेन सेवरल फिनोमिना। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, होल्डिंग ऑफ द एटमोसफियर अराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों ओर जो एटमोसफियर है वो इसे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही होल्ड रहता है। नेक्स्ट है, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। ये ऐसा फोर्स है जो हमको पृथ्वी से बांधे रखता है। द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ। थर्ड, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही अर्थ के चारों ओर मून का मोशन होता है। फोर्थ पॉइंट, द मोशन ऑफ द प्लेनेट्स अराउंड द सन एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम की स्टेबिलिटी इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। फिफ्थ, फॉलिंग ऑफ रेनड्रॉप्स एंड स्नो ऑन द अर्थ। फॉलिंग ऑफ रेनड्रॉप्स एंड स्नो ऑन द अर्थ। नेक्स्ट, द सी टाइड्स ऑन अकाउंट ऑफ द मून एंड द सन। सी टाइड्स जो है वो मून और सन के द्वारा इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा आते हैं, सी टाइड्स। 7, आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट ये अर्थ के अराउंड में रिवोल्यूशन करते रहते, रिवॉल्व करते हैं इसी फोर्स के कारण, ग्रेविटेशन फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल एक्सीलरेशन क्या है? आंसर, एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ग्रेविटी का जो एक्सीलरेशन है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। क्वेश्चन 9, अंडरस्टैंड, व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच लगता है क्या कहलाता है? आंसर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, अमित वाइज फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट द पोल्स एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। ही हैंड्स ओवर द सेम व्हेन ही मीट्स हिम एट द इक्वेटर। अंडरस्टैंड, विल द फ्रेंड्स एग्री विद द वेट ऑफ गोल्ड बॉट, इफ नॉट वाई। हिंट, द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट द पोल्स देन एट द इक्वेटर। हमें जो है जो पोल्स पर है और वहाँ पर जो गोल्ड खरीदता है किसी अपने
फ्रेंड की एडवाइस पर पूछा गया है कि जो फ्रेंड इक्वेटर पर है, जब उसको वहाँ वो पहुँचाया जाता है तो क्या वेट से वो एग्री होगा? आंसर, वेट इज इक्वल टू एम इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अंडरस्टैंड, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, ग्रेविटी एट पोल्स ग्रेटर देन ग्रेविटी एट इक्वेटर, तो पोल्स पर ग्रेविटी अधिक है तो अब वेट अधिक होगा, इक्वेटर पर ग्रेविटी कम है तो वेट कम होगा। सिंस वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट द पोल्स देन एट द इक्वेटर, सो द वेट ऑफ गोल्ड एट द पोल्स विल बी ग्रेटर देन द वेट ऑफ गोल्ड एट द इक्वेटर, अंडरस्टैंड, हेंस हिज फ्रेंड विल से दैट द वेट ऑफ गोल्ड इज लेस देन एज टोल्ड बाई अमित, टोल्ड बाई अमित, तो फ्रेंड जो है उसका वो डिसएग्री हो जाएगा क्योंकि उसको वेट जो है कैसा मिलेगा, कम मिलेगा क्योंकि इक्वेटर पर जी की वैल्यू कम है। क्वेश्चन 11, व्हाई विल ए शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर दैट वन दैट इज क्लम्प्ड इनटू ए बॉल, एक शीट और एक दूसरी जो है जिसको बॉल में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो जो शीट है वो स्लो क्यों गिरती है, व्हाट इज द रीजन? आंसर, सिंस द सरफेस ऑफ एरिया ऑफ ए शीट ऑफ पेपर इज ग्रेटर देन वन दैट इज क्रम्प्ड इनटू ए बॉल, हेंस द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस, क्या है फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द शीट ऑफ पेपर इज लार्जर, तो उस पर जो है एयर रेजिस्टेंस का फोर्स जो वो शीट पर अधिक लगेगा, एज ए रिजल्ट द शीट ऑफ प्रॉपर वो शीट ऑफ पेपर विल फॉल स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्पल्ड इन टू ए बॉल, अंडरस्टैंड, जो सीट है उस पर जो है एयर का फोर्स रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है जिससे वो धीरे धीरे जो फॉल डाउन होती गिरती है। क्वेश्चन 12, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ, व्हाट इज द वेट इन न्यूटन्स ऑफ ए 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। अब यहाँ पर 10 kg ऑब्जेक्ट है, उसका मून पर वेट क्या है और अर्थ पर वेट क्या है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मून पर पृथ्वी का 1/6 ही रह जाता है। आंसर, अंडरस्टैंड, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, एम हियर एम इज इक्वल टू 10 kg, वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ 9.8 m/s², वेट ऑन अर्थ डब्ल्यू ई, यहाँ पर वेट ऑन अर्थ है, ई मीन्स अर्थ, इज इक्वल टू एम जी, डब्ल्यू इज इक्वल टू 10 × 9.8, जी क्या है 10 × 9.8, एम 10, जी 9.8, तो ये 98 N, तो वेट ऑन अर्थ 98 N। नेक्स्ट है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून जी एम, यहाँ पर ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू ग्रेविटी ऑन अर्थ अपॉन 6, 9.8/6। Therefore, weight of object on moon, WM, यहाँ पर WM क्या है, weight on moon, is equal to mg upon 6, 10 × 9.8/6, 9.8/6, 98/6, here, divide करेंगे इसको,
98 upon 6 is equal to 16.33 newton. 16.33 newton. इस वीडियो में बस इतना ही. आगे जो शेष क्वेश्चन रहेगा इसमें एक्सरसाइज की शेष क्वेश्चन वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे. बेस्ट ऑफ लक.